दोस्तों, अगर आप भी अपने एक वीडियो को अपने फेसबुक के कई सारे पेज पर एक साथ पब्लिक करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पर हमें एक ऐसा फीचर मिलता है, एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जहां से हम अपने एक वीडियो को एक बार में ही अपने कई सारे पेज पर, चाहे हमने 10 पेज बना रखे हों या 20 पेज बना रखे हों, एक साथ हम अपने सभी पेज पर पब्लिक कर सकते हैं और सभी पेज के अलग अलग जो फॉलोअर हैं वो हमारे अलग अलग पेज पर हमारे एक ही वीडियो को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसे बोलते हैं फेसबुक पर क्रॉस पोस्टिंग करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फेसबुक पर क्रॉस पोस्ट करना सीखेंगे, मतलब अपने एक वीडियो को एक बार में एक साथ कई सारे पेज पर पब्लिक करना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें अपने फेसबुक पेज पर क्रॉस पोस्ट करने के लिए अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने के बाद उसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, क्योंकि हमें फेसबुक के किसी भी एप्लीकेशन में क्रॉस पोस्ट करने का ऑप्शन अभी तक नहीं मिलता है, ना ही फेसबुक एप्लीकेशन में, ना ही क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन में और ना ही बिजनेस सूट एप्लीकेशन में। हमें अगर अपने पेज पर क्रॉस पोस्ट करना है तो हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, या अगर हम फोन से करना चाहते हो तो हमें अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करके उसमें फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है और उसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको करके दिखाते हैं और आप उसे अपने फोन में क्रोम ब्राउजर पर फॉलो करके क्रॉस पोस्टिंग करना सीख सकते हैं। दोस्तों, क्रोम ब्राउजर में फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है क्रिएटर स्टूडियो। हम क्रिएटर स्टूडियो लेके सर्च करेंगे तो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। हमें सिंपली पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है, यानी कि फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट पेज होता है, हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो का पेज होता है, हमें उस पर आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ध्यान रहे, आपको अपने फोन में जो क्रोम ब्राउजर आपने ओपन कर रखा है उसे आपको डेस्कटॉप साइट पे करके ही सारी चीजें करनी है, वरना आपके फोन में जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप साइट पे किया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं ये एक फेसबुक पेज है और इसके अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 पेज बनाए गए हैं, टोटल 10 पेज हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक ही वीडियो को इन सभी 10 पेजों पर पब्लिक करके दिखाने वाला हूँ क्रॉस पोस्ट की मदद से। अब दोस्तों, क्रॉस पोस्ट के लिए करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। हम मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस, हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सिंपली हम इस पे जब क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो हमारे सामने क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे और नीचे हमें पोस्ट टू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेज हमने बना रखे हैं वो सब यहाँ पे हमको दिख जाएंगे और अब हमें जितने भी पेज पर अपने वीडियो को पब्लिक करना है, क्रॉस पोस्ट करना है, हम सिंपली उन्हें इस प्रकार से टिक लगा लेंगे। देखते हैं यहाँ पे सिंपली हम टिक लगा लेंगे। हम यहाँ पे 10 के 10 पेज पर पोस्ट करना चाहते हैं तो हमने 10 पेज को यहाँ पे टिक लगा लिया है। टिक लगाने के बाद हमें बाहर कहीं पे भी टच कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी पेजेस हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, सारे पेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली एड वीडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। हम एड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन में जो भी हमने वीडियो सेव करके रखा है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अगर कुछ परमिशन पूछता है तो हमें उसे अलाउ कर देना है। अब चलिए यहाँ से हम किसी एक वीडियो को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए हम एक वीडियो ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे एक यूट्यूब का ही अपना वीडियो ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से अपना एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला वीडियो। ठीक है, हमने एक वीडियो को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन का जो ऑप्शन दिख रहा है हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ कस्टमाइजेशन भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, हमें यहाँ पे टच करना है। हम यहाँ पे अपने वीडियो का लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जैसे मैं अपने वीडियो में हिंदी में बोलता हूँ तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर है पोस्ट डिटेल्स, वीडियो टाइटल है तो वीडियो टाइटल में आपकी वीडियो का जो भी टाइटल है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। इस प्रकार से आपके वीडियो का जो भी टाइटल है वो आपको लिख लेना है। सिंपली आप अपने वीडियो का जब टाइटल लिख लेंगे तो नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन का भी बॉक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपने जो भी टाइटल लिखा है उसे आपको कर लेना है कॉपी और यहाँ पे आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ हैशटैग भी लगा लेने चाहिए। हैशटैग जैसे आप टाइप करेंगे आपके सामने कुछ हैशटैग दिखाई देंगे, आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं या आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको हैशटैग लगाने हैं, कम से कम आपको 8 से 10 हैशटैग लगा लेने चाहिए। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चूज फ्रेम, चूज सजेशन, यानी कि आपको यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपने वीडियो का थंबनेल लगा सकते हैं। जैसे आप अगर अपने वीडियो से ही किसी इमेज को, यानी कि किसी फ्रेम को थंबनेल लगाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अलग से थंबनेल बना रखा है तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके फोन का स्टोरेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने वीडियो का जो थंबनेल बना के रखे हैं उसे आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई थंबनेल ले लेता हूँ, खैर मेरे
कंप्यूटर में भी कोई थंबनेल है नहीं तो मैं इसे बंद कर लेता हूं, ठीक है। तो आप यहां से अपलोड इमेज पर क्लिक करके यहां से अपलोड करेंगे तो आपके फोन में जो भी थंबनेल होगा उसे आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने वीडियो के ही किसी एक पार्ट को थंबनेल लगा देता हूं, मैंने यहां पे इस पार्ट को लगा लिया। इसके बाद सिंपली यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहां नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर से हमारे सामने कैप्शन वगैरह का ऑप्शन आएगा। सिंपली कैप्शन के आगे हम जो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमें शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है लेकिन इसमें कॉपीराइट म्यूजिक वगैरह का चेकिंग चल रहा है कि हमारे वीडियो में कोई कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है, हमने कोई म्यूजिक तो यूज नहीं किया है, तो ये चेक कर लेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये बता देगा कि आपकी वीडियो में कोई ऐसा म्यूजिक है जिस पर कॉपीराइट आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, या आप चाहें तो शेड्यूल करना चाहते हो शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जो भी डेट सेट करना है वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर डेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट आ जाएगा, टाइम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइम आ जाएगा, 7:11 का यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम आ चुका है, तो हम सिंपली से शेड्यूल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये जो हमारा वीडियो है फेसबुक के हमारे सभी पेज पर पब्लिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक फायदा और एक नुकसान दोनों ही है। तो पहला जो फायदा है ना दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसकी मदद से आपने जितने भी पेज पर अपने बीच वीडियो को पब्लिक किया होगा ना, उन सभी वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ेगा, फॉलोअर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो भी वॉच टाइम होगा ना, वो आपके मेन पेज पर आएगा जिस पेज से आपने अपलोड किया है। जैसे यहाँ पर देखते हैं पेज यहाँ पे जो 1 है ना, इस पेज पे अपलोड किया गया है, तो इसका जो भी वॉच टाइम जोड़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक पेज पर वॉच टाइम जोड़ा जाएगा। बाकी जो फॉलोअर आपके आएंगे वो सभी अलग अलग पेज पर अलग अलग प्रकार से फॉलोअर ऐड कर दिए जाएंगे, बस वॉच टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पर ऐड किया जाएगा। एक ही पेज पर मोनेटाइजेशन के टाइम आपका वीडियो का वॉच टाइम एक ही पेज पर काउंट किया जाएगा। और देख सकते हैं हमारा वीडियो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, प्रोसेसिंग हो रहा है, डन पे हमें क्लिक कर देना है और ये जो वीडियो हमने शेड्यूल किया है ये शेड्यूल किए हुए टाइम पर हमारे सभी पेज पर पब्लिक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर क्रॉस पोस्ट करना सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे।